Hi guys, welcome to today's video. आज हम बात करेंगे नायका एक्स मसाबा लिपस्टिक्स की. अब ये लिपस्टिक काफी समय से मार्केट में है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने इसे बहुत टाइम तक टेस्ट किया. आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं मैंने कब डाली थी, और मैंने इसे तभी खरीद लिया था. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, लेकिन मैं चाहती थी, और मैंने एक्चुअली इसे ही नहीं कई सारे प्रोडक्ट को मैं इतने दिनों से टेस्ट कर रही हूँ. बाय द वे, वीडियोज में डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही. ऑफिस वगैरह, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो इस लिपस्टिक की बात करें तो ये नायका एक्स मसाबा कलेक्शन है. मसाबा एक फैशन डिजाइनर है, और उनके प्रिंट्स से इंस्पायर होकर इसकी पैकेजिंग और कलर्स को बनाया गया है. ठीक है, तो मसाबा जो है, मसाबा गुप्ता एक डिजाइनर का नाम है, एक फीमेल डिजाइनर का नाम है. आप जाकर उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी देख सकते हैं. आज मौसम बहुत गड़बड़ हो रहा है. तो अब उनके डिजाइन्स जो हैं वो अपने प्रिंट्स के लिए जानी जाती हैं. मैं डिजाइनर्स को इतना फॉलो नहीं करती, तो अगर मैं गलत बोल रही हूँ आप मुझे प्लीज नीचे बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा मैंने उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा है. पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस लॉन्च के बारे में वो ये थी कि जब मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक कर रही थी नायका की, तो उसमें मैंने ये नहीं देखा कि वो एडिट कर रहे हैं. आप देखेंगे जब नायका ने अपनी लिक्विड लिपस्टिक्स लॉन्च करी थी, उन्होंने काफी ज्यादा कलर्स को ऑल्टर कर दिया था, इधर उधर कर दिया था. लेकिन इस लॉन्च में मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने कलर्स को एडिट नहीं किया, क्योंकि मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है. अगर आप एडिट कर देंगे तो कलर पता नहीं चलेगा स्किन टोन पे कैसा दिख रहा है या लग रहा है, और मैं उसी कलर को देख के ही परचेजिंग करती हूँ. और आई एम श्योर कि सभी लोग स्वॉच वीडियोस इसीलिए देखते हैं कि वो देख सकें कि कौन से कलर में हम इंटरेस्टेड हैं, कौन से में नहीं. तो अगर वो एडिटेड होगा, ऑल्टर्ड होगा, फिल्टर्ड होगा, तो उससे क्या होगा, आप कलर पहचान नहीं पाएंगे. दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नायका एक्स मसाबा कलेक्शन में मसाबा ने खुद अपनी ब्रांड को प्रेजेंट किया. उन्होंने खुद अपने ऊपर लिपस्टिक्स लगाई, अपने फ्रेंड के साथ भी एक चैलेंज किया. मतलब प्रेजेंटेशन मुझे ब्रांड का बहुत अच्छा लगा. अब बात करते हैं पैकेजिंग की. ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, प्रिंट इसमें बाहर ये है. मैंने एक ही शेड लिया है पट्टा का, इसमें काफी सारे शेड्स हैं. अगर पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लग रही है. आप इन्हें पैकेजिंग भी देखेंगे तो बहुत प्यारी है, ऐसी पैकेजिंग बहुत क्यूट है. लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, तो ये कई लोगों के लिए प्रो भी हो सकता है, कॉन भी हो सकता है. बारिश में आप इसको भीगने मत दीजिएगा वरना ये गल सकता है. सबसे पहले आता है प्राइस. इसका प्राइस है 599 रुपीज, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टीप है नायका के लिए. हमेशा से ही मुझे नायका की प्राइसिंग थोड़ी सी वो वाली ड्रग स्टोर वाली ब्रांड्स में से लगती है, जो ड्रग स्टोर तो होती है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगती है मुझे. 550-500 समथिंग लाइक दैट मेरे को सही लगती. ये 599 की है, तो ऑलमोस्ट 600 रुपए. क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4.2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. पैकेजिंग मुझे बेहद पसंद है. सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दी हुई होंगी, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह. एमआरपी कहीं भी मेंशन नहीं है, और ये मैंने कई सारे नायका के प्रोडक्ट्स में महसूस किया है कि वो कई बार एमआरपी नहीं डालते. इस शेड की बात करें, यह है शेड पटाका, जो कि मैंने आपको बताया मैंने परचेज किया. इसमें एक मरूनिश अंडरटोन है, ये सीधा रेड कलर नहीं है, रेड है उसमें पिंक अंडरटोन है, लेकिन ओवरऑल मरूनिश दिखता है. अच्छा शेड है अगर आपको डीपर शेड्स पसंद है तो. मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने क्लेम्स जो है वेबसाइट पर मेंशन नहीं किए हैं. लेकिन मुझे याद है शुरू में इन लोगों ने डेमी मैट फिनिश कहा था जब इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया था. इसकी जो फिनिश है पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है. फिनिश इसकी शुरू में क्रीमी लिपस्टिक्स जैसी लगेगी, जैसे क्रीम लिपस्टिक्स होती हैं, क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं आमतौर पे वैसी. जैसे जैसे आप इसको बिल्ड करेंगे ये उतना ज्यादा क्रीमी और शाइनी लगेगी, बट जितना कम आप इसको बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा सेमी मैट या डेमी मैट फिनिश के बीच में लगेगी. जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये उतना ज्यादा मैट लगेगी, लेकिन ये कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक नहीं है. ये ट्रांसफर करेगी हेविली, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन फुल है, आप इसको फुल कवरेज बना सकते हैं, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है. और ये मैं सिर्फ इस शेड की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ ये शेड लिया है, लेकिन मैं यकीन मानती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्वॉचेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे. तो आप प्लीज
चाहे वीडियो स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड, आपको जाकर एटलीस्ट 10 वीडियोस देखना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और तब अपना परचेजिंग डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन यूनिवर्सल नहीं है, तो जाकर एटलीस्ट 10 वीडियोस और देखिए। नाउ नेक्स्ट कम्स कि इसका फॉर्मूला क्रीमी है या खींचातानी करनी पड़ती है, बहुत आराम से ग्लाइड हो जाती है, बहुत आराम से, तो आपको टगिंग एंड पुलिंग की कोई शिकायत नहीं रहेगी इस लिपस्टिक में। आपको शुरू में ये स्मीयर भी कर सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये कोई ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ नहीं है। ये लिपस्टिक जो है बनाई ही गई है कंफर्टेबल फिनिश के लिए, तो ये बहुत कंफर्टेबल है डेफिनेटली। बहुत हैवी ट्रांसफर करती है, ऐसा नहीं है जैसे कई बार मैट लिपस्टिक्स होती हैं जो हल्का ट्रांसफर करती है फिर भी पिगमेंटेशन रहता है, इसका बहुत हैवी ट्रांसफर है। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपको एक टिंट जैसा दिखेगा, ये हल्का सा टिंट, दैट्स ऑल। ये ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक इसी तरह दिखेगी, बट जैसे जैसे दिन बीतेगा, जितना आप खाएंगे, जितना बोलेंगे, जितना पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उतना ज्यादा ये ट्रांसफर करेगा। लिपस्टिक में आपको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन स्क्रबिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर डेड स्किन लिप्स पे होगी तो कोई भी लिपस्टिक गंदी लगती है, क्योंकि हमारे जो फ्लेकी और डेड स्किन होती है उस पर वो बैठ जाती है लिपस्टिक अलग से। तो चाहे क्रीमी लिपस्टिक हो या मैट लिपस्टिक, हमेशा लिप्स जो है एक्सफोलिएटेड होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। इसमें आपको ऑलमोस्ट 12 कलर्स मिल जाएंगे और ये बिल्कुल भी ड्राइंग लिपस्टिक्स नहीं है, तो मुझे तो ये पसंद आई पर्सनली। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए पिगमेंटेशन के साथ, मतलब जैसे जैसे दिन ढले आपको पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा फेड होती भी नहीं चाहिए, तो शायद ये आपको पसंद ना आए। अगेन नायका की अवेलेबिलिटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इतनी अच्छी है कि आप जाकर लिपस्टिक को टेस्ट भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।